पानी काफी गहरा है यहाँ पर। और दोस्तों हमको यहाँ पर खेकड़े की हड्डी दिखी है, एक नंबर खिचड़ी बनी है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है और धूप भी काफ़ी तेज़ है और हर जगह यहाँ पर बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं और बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, दरारें हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको संभल के चलना होगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं लोकेशन कितनी गजब की है, काफ़ी ख़तरनाक है। आप देख सकते हैं यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं और नदी, ये काफ़ी चौड़ी नदी है क्योंकि ये ताप्ती नदी है, तो इसमें जल का भराव भी काफ़ी अधिक है यहाँ पर। दोस्तों यही हमारी कैंपिंग लोकेशन है दोस्तों, और आज हम यहां पर कैंपिंग करने वाले हैं। दोस्तों मैं 12 घंटे तक इस नदी के किनारे में बिताने वाला हूं दोस्तों, कैंपिंग करने वाला हूं। तो धूप काफी तेज है, तो चलो दोस्तों अब हम यहां पर टेंट लगा लेते हैं अपना। तो दोस्तों हमारा टेंट लग चुका है। तो ये लोकेशन दोस्तों काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर नदी के किनारे काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, तो देखते हैं मैं नहा भी सकता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों चलो अब मैं स्विमिंग करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है और यहाँ पर अगर मैं डूब रहा हूँगा तो यहाँ पर मेरे को कोई बचाने वाला नहीं है, तो दोस्तों मैं काफ़ी बड़ा रिस्क ले रहा हूँ यहाँ पर। बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ। जो इंसान की हाइट होती है वो 6 से 7 फीट होती है, लेकिन जो दरारें यहाँ पर है वो 50 फीट तक गहरी है। तो दोस्तों नदी में हमको नहाते समय काफ़ी सतर्क रहना है दोस्तों, क्या भरोसा कज्जी के नीचे या हरी कज्जी के नीचे अगर मान के चलो दरार हुई और हम उसमें अपन ने पैर रखा, दोनों पैर से तुम नीचे अगर फंस गए तो तुम कितने तैराक हो, कितनी शक्तिशाली हो, उस पैर जब आपके फंस जाएंगे दोनों तो आप वहाँ से निकल नहीं सकते। तो दोस्तों इसका भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है दोस्तों। तो 0 सेकंड से लेके कितने मिनट या कितने सेकंड तक मैं पानी के अंदर सांस रोक सकता हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी गजब की लोकेशन है, टेंट हमारा यहाँ लगा हुआ है और यहाँ से इस प्रकार का नज़ारा, वाह गजब। तो दोस्तों अभी मेरे को लग गई है भूख, तो चलो अब दोस्तों खिचड़ी बनाते हैं और खाते हैं। हवा कितनी चल रही है, इधर हवा से सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों खाना बनाने के लिए हमको पानी की जरूरत पड़ेगी, तो दोस्तों हम इसमें पानी भर लेते हैं। दोस्तों ये पानी काफ़ी शुद्ध है दोस्तों, ये ताप्ती नदी का जल है। चलो पानी भरते हैं इनके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर खिचड़ी बन रही है और खिचड़ी बस जल्द ज़्यादा ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट में तैयार होती है खिचड़ी। और दोस्तों यहाँ पर अभी पानी का मौसम बन गया है और दोस्तों आप देख सकते हैं आसमान में काले बादल आ चुके हैं चारों तरफ और बिल्कुल सब दूर छाव आ गई है।
दोस्तों हमको यहाँ पर खेकड़े की हड्डी दिखी है, खेकड़े का दांत है, यहाँ पे भी दांत पड़ा हुआ है खेकड़े का। ऐसे बहुत सारी जगह है, कुछ ना कुछ हड्डी वगैरह, ये वो मछली वछली मरी वाली सब। ये जो टेंट है वो काफी गजब का है दोस्तों, आप इसमें आर पार जा सकते हैं दोस्तों, इसमें से आप खिड़की में से भी निकल सकते हैं यहाँ से, और मैं अभी यहाँ खिड़की में से आ गया हूँ। तो दोस्तों खिचड़ी बन गई है, एक नंबर खिचड़ी बनी है दोस्तों। दोस्तों अब हम बनाने जा रहे हैं कॉफ़ी। दोस्तों ये मेरे पास है अमूल दूध पाउडर, और अब इसकी कॉफ़ी बनाते हैं फट से। दोस्तों अभी शाम हो चुकी है और फट से हम बेक पेक करते हैं, तो चलो। चुका है अभी इस समय, और अब हम हो चुके हैं रवाना। यहाँ पर पानी का मौसम भी बन गया है, पानी गिर सकता है, इसलिए बहुत तेज हवाएं चल रही है, बादल भी आ गए चारों ओर से। यहाँ पर अभी आते आते मेरे को एक खरगोश दिखा था, और बंदर भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है कैमरे में, बंदर और खरगोश आ गया है। इधर सांप, सांप भी दिख सकता है इस लोकेशन पे, सांप भी अधिक संख्या में है। तो अब हमको ऊपर जाना होगा, तो ऊपर चढ़ जाते हैं अब ऊपर की ओर। और यहाँ पर अभी बहुत तेज हवाएं चल रही है, आया था यहाँ पर।
पानी काफी गहरा है इस नदी में यहाँ पर, मतलब एक तो पानी घुसने वाला भर है या फिर सीधे 20 फीट गहरे पानी मिलेगा इससे ऊपर ही, इसलिए स्विमिंग नहीं कर पाया मैं। बादल आ चुके हैं और यहाँ से चलो पानी गिर सकता है, बिजली तो खड़क ही रही है। जरूर बताना कि ये कैंपिंग वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और हो सके तो शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।